और थानू कहना चाहना कांग्रेस लीडरशिप ने ये सही फैसले लाए होंगे सानू आप देना देखने पहले पहली बार सही फैसला लिया पिछले दिन राहुल जी मौका दिया राजा नु कांग्रेस का प्रधान बनाया प्रताप जी अपोजिशन बनाया मैनू आस नहीं पूर्ण यकीन है इस गल का भरोसा राजा जी थोड़ी अगवाई कांग्रेस का हर वर्कर एक नाल एक खड़का रहेगा कांग्रेस प्रार्थना की तकड़े होके खड़ो तकड़े होके लड़ो कोई रास्ता नहीं रोक सकता भी हो रहा है भरपूर निंदा करता है बाकी जिता हारा बनिया प्रजातंत्र कौन नहीं हारिया इस दुनिया च सिकंदर नहीं हारिया बाकी सारी दुनिया हारती रही है हारती भी रही है मुड़ के जितती भी है कोई नहीं रोक सकता तो मैं थोड़ा सारिया का बहुत बहुत धन्यवादी है राजा जी का खास तौर पर क्योंकि संगरूर की बाई इलेक्शन चलती है भाई इलेक्शन चो टाइम कट के आए हैं मैं थोड़ा सब का बहुत बहुत धन्यवादी है इन लफ्जों के नाल अपनी गल नबेड़ दें बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद राणा के पी जी साढ़े दरम्यान बहुत सारे वर्कर शरीर तो भी आए हैं मेरी बेनती है सब तो पहला थोड़ा सारे का धन्यवाद कि आज असी सारे बीजेपी के खिलाफ और धक्केशाही के खिलाफ और धरने का मतलब है कि असी रोस प्रगटावा करना से आए प्रेस वाले तो बिना मेरी बेनती है कि जिन्हें भी लोग इतने खड़े सवाए पांडे साहब तो पांडे साहब को कुर्सी लेके दियो यार इधर दे काका कुर्सी थोड़ा जा भैन जी पीछे इतने दे कुर्सी बह जाओ बेटे कुर्सी दे कोई गोडिया की प्रॉब्लम है कुर्सी शांति बनाए रखो ते प्रेस वाले भरावां नूं बेनती है माफी चाहनी है एक साइड ते हो के जिथे मर्जी साइड बना लो भावें विचारे कर लो भावें साइड ते पर एक साइड ते हो जाए तां ठीक लगो साढ़े नाल जाके ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਆਹ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਭੈਣ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਕੋਤਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਈਆ ਉਹ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੁਰਦੀਪ ਫੰਮਣਵਾਲ ਜੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ और साढ़े ब्लॉक के प्रधान राणा जी भोगपुर तो संदीप निजर जी साढ़े एमसी साहबान तरसेम सिंह जी सतबीर सिंह जी जगजीत सिंह जी जीता अंजलि भगत नरमल सिंह जी सुखविंदर सिंह जी लाली चेयरमैन गुरदीप सिंह जी सारे बहुत बहुत जी आया सारे तुम वर्कर हो सारे अज धरना देन आए हैं मेरे सामने हैप्पी गैलरी खड़े ने सरपंच साहब
ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਈਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਓ ਜਲਦੀ ਆਓ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਧਨੋਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਆਓ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਭਾਈ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਡੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬੈਠੋ ਮੇਰੇ ਪਰ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬ੍ਰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ प्रदर्शन आए हो कांग्रेस पार्टी एक संघर्ष चो निकली हुई पार्टी है और सानू संघर्ष को कोई भी नहीं रोक सकता। जे आप गल करिए ते दो सीटा तो इत्थे आउण वाले अज जे गल्लां करदे ने ते कदी बाबरी मस्जिद दियां गोदरा कांड दियां या होर जो इन्होंने वधीकियां कीतियां इस मुल्क दे विच जो जोर जबरदस्तियां इन्होंने कीतियां उन्हां बारे क्यों नहीं जांच करवाउंदे। मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि धर्म दे नां ते ठेकेदारी करन वालियां पार्टियां जिहड़े शब्द कहे ते साडी कतार दे विच आउंदियां होईयां एयरलाइनां दे विचों साडे पंजाबियां नूं रोक के उत्थे कतार दे एयरपोर्ट दे उत्ते सिर चुकाउणे पए। मैं गल कहणी चाहुंदा कि आपां सारे ने तकड़े हो के इहनां दे जुल्म दा जो है वो अंत करना है। मैं तुहानूं सारिआं नूं इक बेनती करदा हां कि जिहड़ी अपनी लड़ाई है इस संघर्ष दे विच आपां बहुत तकड़े हैं पर अज दी लड़ाई जिहड़ी है इलैक्ट्रॉनिक हो गई। मैं तुहाडे अगे बेनती जरूर करूंगा आप जो भी करते हैं अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है अपनी जो भी फेसबुक पेज है जो साडे प्रधान जी राहुल जी राजा वड़िंग जी कोई भी गल करते हैं उन्होंने मल्टीप्लाई कराया करिए क्योंकि ये तुसी इस गल के गवाह हो जो लीडर साहबान इतने बैठे हैं। उदन मुख्यमंत्री ने सानू टाइम दे के साडे नाल गल भी नहीं की पर उन्होंने कूड़ प्रचार चलाता कुर्सियां के मगर आए हैं। मैं तुहाडे अगे हक बन के बेनती करता हाँ अपनी पार्टी बहुत अगे ले जा सकते हैं और असि बहुत आसवंद है कि राजा वड़िंग जी की एड्डी मजबूत लीडरशिप अगे आप मोटे ना मोटा ला के चलते रहिए। सत्ता के दिन जोड़े है वो दूर नहीं संगूर जिमनी चोन के इन्होंने सिर ना सिर फसा के जी लड़ाई है बहुत अगे तक लै गए और आप जितने की कतार के उत्ते खड़े हैं और मैं तुहाडे अगे बेनती करूंगा जिहड़ी जिहड़ी जिथे ड्यूटी लगी है उत्थे आके काम करे। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। जय हिंद जय कांग्रेस। साडे दरमियान सरदार बलविंदर सिंह जी धारीवाल MLA फगवाड़ा उह इत्थे पहुंचे ने साथियां समेत। मैं उन्हां दा इत्थे आउण ते कांग्रेस शहरी अते देहाती वल्लों धन्नवाद करदा। मैं दो किनारे लाउणे आ सुण लो मेरी वीरो भैणो चोर मार मोदी सरकार हाय जोर ना बोलो यार तुसी भी बोलो ना साइड ते खड़े धरने की आए ना बोलो ता जरा कर मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद मोदी सरकार हाय नेशनल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेनती करा सुरेंद्र सिंह जी चौधरी सबका MLA करतारपुर थोड़े ना विचार साझे करेंगे दो मिनट ली सारे ने हाजरी लवानी है कि दो दो मिनट ली करीब प्लीज समय का ध्यान रखियो। बहुत ही सत्कारयोग साढ़े पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग जी
ਸਾਡੇ ਸਤਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਤਾਰਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਔਰ ਸਤਾਰਯੋਗ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ मोदी साहब के इशारे पर साढ़े कांग्रेस के प्रधान श्रीमती सोनिया गांधी जी साढ़े श्रीमती राहुल गांधी जी ने जो समन भेजे से कई तरीक से उस बारे आप सारे ने आज प्रोटेस्ट सारे पंजाब के बीच नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के बीच आप कर रहे हैं। और जिदा साढ़े मान जो स्पीकर साहब राणा के पी जी ने दसिया कि जी कांग्रेस पार्टी है ये सारी दुनिया की सब तो बड़ी पार्टी है और हिंदुस्तान की सब तो पुरानी पार्टी है और इस पार्टी ने अपने देश में आजाद करवाया और आज देश कितने खड़ा और आज देश इसका कोई नंबर है दुनिया के पचवा छेवं सत्तवा नंबर है तो ये कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। और जो मोदी सरकार आई है और उदों से इन्होंने यही गल की कि हम असं आए हैं जब सरकार बनाई है तो असी जो हिंदुस्तान है उसका जो निर्माण जो असं कर रहे हैं तो इस तो पहले जो सरकार आई हैं उन्होंने सरकार ने कुछ नहीं किया और पर चीज़ों को भूल गए कि सा जो संविधान बनाया डॉक्टर बी आर अंबेडकर साहब ने साडा संविधान बनाया कि जवाहर लाल नहरू ने यह जो देश है इसकी नींह रखी सी और बड़े 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 कारखाने जोड़े से चाहे स्टील के चाहे दूसरे से नंगल डैम बनाया सी पंजाब के नहर का जाल बिछाया से और सारे हिंदुस्तान के एक तरक्की का जो दौर से वह उदों शुरू किया जो उदों की जी नींह बनी सी तो इस करके ही अब जी है हिंदुस्तान का जोड़ा ना है सारी दुनिया के इस करके ही है। और जो कोई बिल्डिंग बनी है जो आप बनाने किसी नींह के उत्ते बिल्डिंग बनाते हैं तो वह इस करके ही मजबूत बिल्डिंग बनती है उच्ची बिल्डिंग बनती है जो उत्ते होर मंजिल आप बनाया हो तो वो नींह मजबूत होनी चाहिए है और वो नींह जी पंडित जवाहर लाल नहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने मजबूत की सी तो जे पिछले दो टर्मा के जितते हैं जित के इन्होंने जो कुछ किया देश के वास्ते किया तो यह फिर पंद्रह भी जी मंजिल है ये आके खड़े हुए हैं तो उस तो पहले जीडिया मंजिल बनिया वो कांग्रेस पार्टी ने वो जो मंजिल बनाइया सी और देश का एक बड़ा बड़ा जो नाम पैदा किया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राजीव गांधी जी ने जिन्होंने कि सारा कंप्यूटराइज किया हिंदुस्तान ने और चीन ने लड़ाई की पंडित जवाहर लाल नहरू जी वेले और जो पाकिस्तान ने 1972 तो 1965 के लड़ाइया जितिया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने और सारा जोड़ा देश है और पाकिस्तान के दो हिस्से उदो करके रख दिए थे और सारी दुनिया ने मैसेज दिता से कि हिंदुस्तान भी कोई जी ताकत है अपने अंदर रखते हैं। सो कांग्रेस पार्टी जी है ये बड़ी वड्डी पार्टी है और ये जरूरी नहीं कि अज आप पंजाब के होर अपने सीटा कहीं घट आई हैं ज्यादा मतलब कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई ये पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि इसके जो लोग हैं जोड़े इसके लोग जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल जुजारू है हमेशा ही एक अच्छे जज्बे के नाल हमेशा आप चलते हैं और अब जो सारा अपना इकट्ठ होया इतने आप सारे इकट्ठे हुए हैं आप यही गल करनी है कि आप जब तक श्रीमती सोनिया गांधी श्री राहुल गांधी जी उन्होंने खिलाफ जो होशियां जो चल सेंटर की सरकार जी मोदी सरकार खत्म नहीं करती तब तक आप जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं और आप जो क्लीन चिट है ये जी आप जी सेंटर की सरकार है लोगों का जी